الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. आज हम दुरूसुल लुगत अल अरबिया लि गैर नातिकीन बिहा किताब जो है जिसको डॉक्टर फा अब्दुल रहीम ने लिखा है इसके जुज अव्वल का दर्स नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं. तो आइए पहले हिवार पढ़ें. मन हाजर रजुलु मन हाजर रजुलु यह आदमी कौन है. यह आदमी हाजर रजुलु हाजर रजुलु इस तरकीब को आपने पढ़ा है. हाजा इसमें इशारा है और अर रजुलु मुशारुन इलैह तो यह तरकीब है तरकीब इशारी. मन हाजर रजुलु हु इज दिस मैन. सो हाजा रजुलुन मीन्स दिस इज अ मैन लेकिन हाजा अर रजुलु मीन्स दिस मैन. हुआ अब्बासुन हुआ अब्बासुन हुआ अब्बास ही इज अब्बास. अब्बासुन ताजिरुन अब्बास इज अ मर्चेंट. अब्बास एक ताजिर है. अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन अब्बास एक मालदार ताजिर है. ताजिरुन गनीयुन इस तरकीब पे जरा गौर कीजिए. ऊपर कहा अब्बासुन ताजिरुन और यहां कह रहा है अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन. ऊपर जो सेंटेंस था जुमला है ये जुमला मुब्तदा और खबर. अब्बास मुब्तदा ताजिरुन इसकी खबर है. अब अब्बास मारिफा है क्योंकि इसमें आलम है और ताजिरुन इसकी खबर इसमें नकिरा है. ठीक है नीचे यही सेंटेंस है लेकिन इसमें एक और वर्ड का इजाफा किया गया है. यहाँ है अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन. तो ये गनीयुन क्या है इसमें ये असल में अब्बासुन अगर मुब्तदा है ताजिरुन इसकी खबर है तो ये गनीयुन जो है ये सिफत है. किसकी सिफत है ताजिर की सिफत है. इसका मौसूफ है ताजिर. तो इस लेसन में आप पढ़ने जा रहे हैं मौसूफ सिफत मौसूफ सिफत यानी एक और तरकीब. आपने इससे पहले हर्फ़ जार और मजरूर पढ़ा यानी जिसको हम बोलते हैं ग्रामर में ये मुरक्कबी जारी है. इससे पहले दूसरी तरकीब जो आपने पढ़ी जिसका इशारा अभी मैंने किया इब्तिदा में वो है मुरक्कबी इशारी यानी इसमें इशारा और मुशारन इलैह. और अब आप तीसरी इससे पहले एक और तरकीब भी आपने पढ़ी है जिसको तरकीब या मुरक्कबी इजाफी कहते हैं यानी एक पहला एक इस्म दूसरे इस्म की तरफ मुजाफ करके इस्तेमाल किया जाता है. जैसे हम कहेंगे कलमुल वलदे कलमुल कलमु मुजाफ अल वलदी मुजाफुन इलैह. इसी तरह आज आप चौथी तरकीब पढ़ रहे हैं ताजिरुन गनीयुन. ताजर मीनस ताजर गनीयुन मीनस गनी उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं दोनों कलमे इस्तेमाल करते हैं. हम कहेंगे गनी ताजर यानी वेल्दी मर्चेंट मालदार ताजर मालदार ताजर. तो ये गनी जो है ताजर की सिफत है. याद रखें सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक होती है चार चीजों में. तो उसमें पहली चीज जो है वो है जिन्स यानी मुजक्कर मोनस के एतबार से. अगर ताजर ये मौसूफ है यहाँ अगर ये मुजक्कर है तो गनीयुन भी मुजक्कर अगर ये मोनस होता तो गनीयुन भी मोनस यहाँ भी इसकी सिफत भी मोनस आती. ठीक है ना. तो पहली चीज जो है जिन्स जिसमें मौसूफ सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक होती है. नंबर दो तारीफ तनकीर यानी अगर मौसूफ इसमें मारिफा है तो उसकी उसकी सिफत भी इसमें मारिफा ही होगी. अगर मौसूफ इसमें नकिरा है तो उसकी सिफत भी इसमें नकिरा ही होगी. जैसे यहाँ ताजिरुन एक इसमें नकिरा है तो इसकी सिफत भी इसमें नकिरा ही आ गई ताजिरुन गनीयुन. अगर फॉर एग्जांपल ताजिरुन के साथ इल्फ़लाम लगा होता हम यहाँ होता अत्ताजिरो तो यहाँ लिखना पड़ता सिफत को भी अलिफ़लाम के साथ तो हम कहते अत्ताजिरु अलगनीयु. ठीक है तो दो चीजें आ गई यानी सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक एक तो किस में जिनस में
और दूसरा मौसूफ, ये सॉरी मौरिफा नकरा में है, मौरिफा नकरा में है, दो चीजें। तीसरी चीज याद रखिए वो है वाहिद जमा यानी आदद। आदद में भी सिफत जो है इस मौसूफ के मुताबिक होती है। अगर आदद ये मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद होगी, अगर आदद जमा है तो सिफत भी जमा होगी। मिसाल दूंगा मैं, ताजरुन की जमा क्या है? तुजारुन। अगर हमें कहना है बहुत सारे मालदार ताजर तो हम कहेंगे तुजारुन। फिर हमें गनीयुन की भी जमा ढूंढनी पड़ेगी तो हम कहेंगे तुजारुन अग्नियाओ, तुजारुन अग्नियाओ, यानी तुजार भी प्लूरल और गनीयुन यानी सिफत भी प्लूरल हो गई। तो तीन चीजें आ गई। चौथी चीज जो है वो है एराब, यानी अगर मौसूफ पेश वाला यानी मरफू है तो खबर भी ये तो सिफत भी मरफू होगी। अगर मौसूफ मनसूब है यानी जबर वाला है, आखिर में इसके जबर इसके जबर है या दो जबर या एक जबर है, तो यहाँ भी दो जबर या एक जबर उसी के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग होगी। अगर मौसूफ मजरूर है यानी इसके लास्ट में जेर है तो खबर के नीचे भी हम क्या ये सॉरी तो सिफत के नीचे भी हम क्या लगाएंगे जेर। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे ताजिरुन गनीयुन, दो पेश यहां भी यहां भी, ताजिरन गनीयन यहां भी दो जबर यहां भी दो जबर, ताजिरिन गनीयन यहां भी दो जेर यहां भी दो जेर। तो इस तरह है चार चीजों में सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक चलेगी। इसको याद रखिए, नोट करके रखिए। हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिद इज ए टीचर, हामिद इज ए टीचर। अब नीचे देखिए हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, फिर से तरकीब आ गई मौसूफ सिफत की। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद एक नया टीचर है, हामिद इज अ न्यू टीचर। वो जदीदुन यहां किसकी सिफत बन गई? मुदर्रिस की सिफत। मा हाजा व्हाट इज दिस, ये क्या है? हाजा तुफाहुन, दिस इज अ फ्रूट, दिस इज फ्रूट। अतुफाहो सॉरी दिस इज एन एप्पल, हाजा तुफाहुन, दिस इज एप्पल। अतुफाहो an apple is faakihatun, a fruit lazizatun, delicious। यह फाकिहतुन देखिए मौसूफ है, फाकिहतुन क्या है? मौसूफ है, तो इसकी सिफत आ गई क्या? लजीजतुन। फाकिहतुन ये मौनस है तो लजीजतुन यानी सिफत भी मौनस आ गई लजीजतुन। अगर ये मुदक्कर होता तो हम कहते लजीजुन, जैसे हम कहेंगे तो आमुन लजीजुन, मीठा खाना, डेलिशियस फूड। लेकिन फाकिहतुन मोनस है तो हमने लजीजतुन को भी मोनस लिखा। शाबाश, आगे बढ़िए। मा जालिका व्हाट इज दैट, जालिका उस्फूर, दैट इज ए बर्ड, वो तो एक परिंदा है। अल उस्फूर सॉरी जालिका उस्फूर, दैट इज अ स्पैरो, ठीक है वो चिड़िया है। अल उस्फूर द स्पैरो इज अ ताइरुन सगीरुन, अ स्मॉल बर्ड, ताइरुन सगीरुन, ताइरुन सगीरुन, मौसूफ सिफत फिर, ताइरुन सगीरुन, अ स्मॉल बर्ड। इसी तरह आगे देखे अल अरबियतु, अरबी जबान, लुगतुन सहलतुन, आसान जबान है, लुगतुन सहलतुन, लुगतुन भी मौनस तो सहलतुन भी इसकी सिफत भी मौनस आ गई, ठीक है। आगे देखे अल अरबियतु लुगतुन जमीलतुन, अरबिक खूबसूरत जबान है, यहां भी लुगतुन मौनस है तो जमीलतुन इसकी सिफत भी मौनस आ गई, लुगतुन जमीलतुन। अम्मारुन तालिबुन मुज्तहिदुन, अम्मार इज ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, अम्मार एक मुज्तहिद तालिबे इल्म यानी मेहनत करने वाला तालिबे इल्म है। तालिबुन मुज़क्कर मुज्तहिदुन इसकी सिफत आ गई, ठीक है। तालिबुन भी मरफू और मुज्तहिदुन भी मरफू। महमूदुन महमूद तालिबुन कसलानु, तालिबुन कसलानु, महमूद एक तालिबुन कसलानु, कसलानु मीन्स लेजी, मुज्तहिद के अपोजिट जो मेहनत नहीं करता हो। महमूद एक इज अ लेजी स्टूडेंट, इज अ लेजी स्टूडेंट, महमूद इज अ लेजी स्टूडेंट। मन अंता आप कौन है, आपने लेसन नंबर वन या टू में आपने पढ़ा है मा और मन के दरमियान फर्क। मा चीजों के बारे में सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप कलम की तरफ इशारा करके कहते हैं मा हाजा, ये क्या है, जवाब देता है हाजा कलम,
फिर दूसरी चीज की तरफ महाजा वगैरह। लेकिन जब आप मन कहते हैं तो आप इंसान के बारे में पूछते हैं, मन हाजा ये कौन है। तो सिंपल में याद रखिए, मा मीन्स क्या, मन मीन्स कौन, मन अंता आप कौन, अना तालिबुन आई एम ए स्टूडेंट मैं एक तौलब इल्म हूं, अंता तालिबुन जदीदुन तालिबुन जदीदुन क्या आप एक नए स्टूडेंट हो, आर यू ए न्यू स्टूडेंट ए न्यू कमर। तालिबुन जदीदुन दोनों मरफू मौसूब सिफत, तालिबुन मौसूब सिफतुन इसकी ये भी मरफू है। नाम हाँ अना तालिबुन जदीदुन हाँ मैं एक नया तालिब इल्म हूँ, हाँ मैं एक नया तालिब इल्म हूँ। सिफत मौसूब के हवाले से एक और बात नोट कीजिए, वो ये है कि जब आप उर्दू लिखते हैं तो आप सिफत को पहले लिखते हैं, आप कहते हैं नया तालिब इल्म या अच्छा लड़का, पुराना जो है किताब, पुरानी किताब, पुराना कलम वगैरह। लेकिन जब आप अरबी में लिखेंगे तो पहले मौसूफ को लिखेंगे, पहले नाउन को लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। इंग्लिश और उर्दू में अपोजिट है, पहले एडजेक्टिव आएगा फिर नाउन आएगा जिसको एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा हो। लेकिन अरबिक में पहले वो नाउन आएगा जिसको जिसकी सिफत बयान करनी है। जैसे यहाँ आपने इस सारी मिसाल में देखा, तालिबुन यहाँ मौसूफ यानी नाउन है, इसके बाद इसकी सिफत जिक्र की गई, तालिबुन जदीदुन तालिबुन जदीदुन तालिबुन मुज्तहिदुन तालिबुन कदीमुन लुगतुन सहलतुन। सारी जगह आपने देखा कि क्या हो रहा है कि मौसूफ पहले लिखा जाता है और उसके बाद उसकी सिफत लिखी जाती है। यहाँ पे हमारे इस मैंने लेसन की एजा हिवार पोर्शन जो है खत्म हो रहा है, अब हम तमरीन की तरफ आएंगे। तमरीन में अक्सर लेसन नंबर वन देखिए, पहला ये सॉरी पहला क्वेश्चन नंबर वन देखिए, इकरा वक्तुब रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। नंबर वन मुहम्मदुन तालिबुन कदीमुन, मुहम्मद मुब्तदा तालिबुन इसकी खबर, लेकिन कदीमुन इस खबर की सिफत आ गई, तो क्या है मुहम्मदुन तालिबुन कदीमुन, मुहम्मद इज एन ओल्ड स्टूडेंट या अ सीनियर स्टूडेंट, मुहम्मद एक पुराना तालिब इल्म है, मुहम्मद एक पुराना तालिब इल्म है। नंबर टू देखिए, अ क्या जालिकर रजुलो मुरक्कबुन इशारियुन जालिकर रजुलो, क्या वो आदमी मुदरिसुन जदीदुन एक नया टीचर है क्या, इज दैट मैन अ न्यू टीचर। मुदरिसुन जदीदुन मौसूफ सिफत, ला नहीं हुआ तबीबुन जदीदुन, वो ला नहीं हुआ वो तबीबुन जदीदुन एक नया डॉक्टर है। नंबर थ्री हाजा ये है क्या दरसुन सहलुन एक आसान सबक है, दरसुन सहलुन ऊपर आया था अलुगत लुगतुन मोनस था तो उसकी सिफत आ गई सहलतुन, दरसुन मगर मुजक्कर है तो इसकी सिफत भी मुजक्कर आएगी तो हमने सहलुन कहा। अब्बासुन अब्बास हैं क्या ताजिरुन शहीरुन एक मशहूर ताजर, शहीर किसको बोलते हैं मशहूर, एक मशहूर ताजर। नोट कीजिए इन वोकैबुलरीज को, जिस इन वर्ड्स की मीनिंग जो मैं बता रहा हूं इसको नोट करते जाइए। बिलालुन मुहंदिसुन कबीर बिलाल एक बड़ा इंजीनियर है, बिलाल एक बड़ा इंजीनियर, मुहंदिसुन कबीर, मुहंदिसुन सिफत ये मौसूफ कबीर इसकी सिफत। अल इंकिलीजियतो अंग्रेजी जुबान द इंग्लिश लैंग्वेज क्या है लुगतुन सअबतुन मुश्किल यानी इसकी सिफत एक मुश्किल जबान है, द इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। नंबर सेवन अंत क्या आप हैं रजुलुन गनीयुन एक मालदार आदमी, रजुलुन गनीयुन मौसूफ सिफत रजुलुन गनीयुन, ला नो नहीं अना मैं हूं क्या रजुलुन फकीरुन एक गरीब आदमी हूँ, फकीर मीन्स गरीब आदमी, उर्दू में हम गरीब कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं हो, लेकिन अरबी में गरीब कहते हैं अजनबी को, अरबी में अगर गरीब बोलना हो यानी कोई इंसान जो गरीब है हम उसको बोलेंगे रजुलुन फकीर, ठीक है। नंबर एट अल काहिरा तो काहिरा
मदीनतुन कबीरतुन एक एक बड़ा शहर है। मदीनतुन कबीरतुन, मदीनतुन मौसूफ, कबीरतुन इसकी सिफत। अल काहिरतु द काहिरा या कायरू इज ए बिग सिटी, द कायरू इज ए बिग सिटी। नंबर 9 अंत मुदरिसुन कदीम, क्या आप पुराने टीचर हैं? अंत क्या आप हैं? मुदरिसुन टीचर, मगर कदीमुन पुराने, कदीमुन मुदरिसुन की सिफत है। ला नहीं नहीं, आना मुदरिसुन जदीदुन, नहीं मैं मुदरिस टीचर हूँ, जदीदुन नया नया टीचर हूँ मैं। नंबर 10 अहमिदुन तालिबुन कसलानु, क्या हामिद सुस्त तालिबे इल्म है? कसलानु जो है ये एक सिफत है, जो भी सिफत इस वजन पर आती है, कसलानु जवानु अतशानु गजबान वगैरह, ये तनवीन कबूल नहीं करते हैं। क्या कबूल नहीं करते हैं? चूंकि ये गैर ये ममनू में न सरफ होते हैं। ये ममनू में न सरफ मतलब होता है जो तनवीन कबूल नहीं करते हैं और कसरा कबूल नहीं करते हैं। ये आप आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ आप याद रखें कि ये तनवीन कबूल नहीं करते हैं, इसलिए मैंने पढ़ा तालिबुन कसलानु, न कि मैं यानी ये नहीं पढ़ा कसलानुन। दो पेज के पास, दो पेज के साथ मैंने नहीं पढ़ा इसको, मैंने एक पेज के साथ पढ़ा तालिबुन कसलानु, तालिबुन कसलानु, ठीक है। इसी तरह आप पढ़िए जो भी वर्ड इस पर आगे आएंगे इंशाल्लाह ताला, इसकी और एग्जांपल्स। ला नहीं, हुआ वो है तालिबुन मुज्तहिदुन, एक मेहनती तालिबे इल्म है, तालिबुन मुज्तहिदुन। सारी मिसालें यहाँ है मौसूफ सिफत की। अब जरा इन खाली जगहों को पूरा करने की कोशिश कीजिए, मैं एक दो करके आपको दिखाऊंगा, बाकी मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा ताकि आप खुद कोशिश करके मेहनत करके इनको करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2 ज़ाफिल फराग, खाली जगह में डालो फिल जुमल आलाते आने वाले जुमलों में, नात आए ना मुनासिबन, एक मुनासिब सिफत, नात कहते हैं सिफत, ठीक है। खदीजा तो, खदीजा तालिबतुन, एक तालिब इल्म है। अब हम तालिब तालिबतुन की एक सिफत लाएंगे, मैं कहूंगा जदीदतुन, एक नई तालिब इल्म है। खदीजा तो तालिबतुन जदीदतुन, एक नई तालिब इल्म है, ठीक है। तो मैंने जदीद इसकी सिफत बनाई तालिबतुन की। इसी तरह आगे देखिए खालिदुन ताजिरुन, खालिद एक ताजिर है, लेकिन कैसा ताजिर है? मैं कहूंगा फकीरुन, गरीब ताजिर है, या गनीयुन, मालदार ताजिर है, या कबीरुन, बड़ा ताजिर है, जैसे आप आपको अच्छा लगे। नंबर 3 अल अरबियतु, अरबी जुबान है क्या? लुगतुन, जुबान, कैसी जुबान? सहलतुन, आसान जबान है, सहलतुन, लुगतुन मोनस है तो सहलतुन लिखूंगा। नंबर 4 अल उस्फूरु ताइरुन, अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, उस्फूर छोटा परिंदा है, उस्फूर क्या है? उस्फूर छोटा परिंदा है, उस्फूर छोटा परिंदा है। अतुफा हो फाकी हतुन, अतुफा हो फाकी हतुन, सेब एक फाकिहा, एक 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 मेवा है, कैसा? लजीजतुन, मीठा मेवा है। इसी तरह से आप और 2-4-5 हैं, ये इनको करते, ये सेंटेंसेस आपने पीछे पढ़े हैं, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, इसको आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, कहता है ज़ाफिल मकान अल खाली, ये खाली जगह जो है इनमें रखो क्या? फिल जुमला लाते आने वाले सेंटेंसेस में, मनऊतन मुनासिबन, कहता है अब मैंने सिफत लिख के रखी है भाई, अब तो आपको मौसूफ लिखना है। क्या लिखना है? मौसूफ, यानी सिफत मैंने, जैसे अल अरबिया तो डैश डैश सहलत हो, आसान, क्या आसान है? जुबान, हम कहेंगे अल अरबिया तो लुगतुन सहलतुन, लुगतुन सहलतुन। नंबर 2 अना डैश डैश कदीमुन, अना डैश डैश कदीमुन, तो हम कहेंगे अना तालिबुन कदीमुन, मैं पुराना तालिबे इल्म हूँ या सीनियर स्टूडेंट हूँ। नंबर 3 अम्मारुन, अम्मार डैश 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 गनीयुन, मालदार, क्या? हम कहेंगे एक मालदार ताजिर है, तो आएगा इस खाली जगह में लिखेंगे अम्मारुन ताजिरुन गनीयुन। नंबर 4 हाजा डैश डैश मकसूरुन, मक्स ब्रोकन,
टूटी हुई या टूटा हुआ, तो हम कहेंगे हाज़ा कलमुन मकसूरुन, ये टूटा हुआ कलम है। नंबर 5, फैसलुन डैश डैश कसलानो, फैसलुन तालिबुन कसलानो, एक सुस्त तालिबे इल्म है। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इकरा इनको पढ़ो जो मैं अभी बता रहा था कि कसलानो जवानो अतशानो गजबानो मलानो, ठीक है, ये सिफात हैं जो एलिफ नून पर एंड हो रहे हैं, इनके आखिर में आप एलिफ नून देखेंगे, कसलान जवान अतशान एलिफ नून सब है, जो भी सिफत एलिफ नून पर एंड होती है वो ममनू में नसर, उसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी। फिलहाल आप इतना याद रखो कि उसके साथ तनवीन नहीं आएगी, यानी हम नहीं कहेंगे कसलानुन जवानुन, नहीं, हम एक पेज पढ़ेंगे, जैसे नीचे ये इसने सेंटेंस लिखे हैं इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अना जवानु न कि अना जवानुन, अना जवानु, जवान मीन्स भूखा, मैं भूखा, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। अंत जवानु, आर यू हंग्री, ला नहीं। अना अतशानु, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ, अतशानु मीन्स थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। नंबर 3, लिमाज़ अल मुदर्रिसु गज़बाना गज़बानो अल यौम, लिमाज़ अल मुदर्रिसु, आज उस्ताद क्यों है, गज़बानो अल यौम आज, व्हाई इज द टीचर एंग्री, ये जवानु मीन्स हंग्री HUNG और गज़बानो मीन्स एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा, गुस्से से होना या गुस्सा गजबनाक होना। नंबर 4, अलकूब मलानो, प्याला भरा हुआ है, प्याला भरा हुआ है, ठीक है। तो इनको याद रखिए, इन सिफात जो अल्पनून पे एंड होते हैं, हैं, इन सिफात को तनवीन, ये तनवीन कबूल नहीं करते हैं। इसमें आपने कुछ कलिमात नए पढ़े, वैसे ये सारे पढ़े हुए हैं आपने, फिर से देखिए, अल्लुगतु जबान को कहते हैं, शहीरुन मीन्स मशहूर, मैंने कह दिया इससे पहले, अलमदीनतु शहर को कहते हैं, सिटी को, अत्ताइरु मीन्स बर्ड, अल्यौम टुडे या डे, कसलानु मीन्स लेजी, जवानु हंगरी, अतशानु थर्स्टी, मलानु फील्ड या फील्ड हाँ भरा हुआ, यानी कहना मैं कहता हूँ मैं बुक हूँ, या गजबानु एंग्री, अल उस्फूरु मीन्स बर्ड, अल उस्फूरु मीन्स स्पैरो, अल्यौम मीन्स टुडे, अल्यौम जब आएगा तो इसका मतलब होता है सिंपली डे, DAYD यानी दिन, लेकिन जब अल्यौम आता है तो इसका मतलब होता है टुडे, इन दोनों में फर्क को मलहूज़ नजर रखिए, ठीक है। इस लेसन नंबर 1 का लेसन नंबर 9 जो है, इसका हम अलिफ पार्ट जो है वो हमने यहाँ खत्म किया, ठीक। अब आप इसके बा पार्ट को देखिए, यहाँ भी आप क्या देखेंगे, आपने पीछे देखा कि आप सिफत पढ़ रहे हैं, मौसू सिफत की कंस्ट्रक्शन, मौसू सिफत की तरकीब पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पे था मौसू सिफत की इसमें नकरा में, नकरा हालत में लिखा हुआ था, ताजिरुन गनीयुन तालिबुन जदीदुन फाकिहतुन लजीजतुन, सारे जो है सिफात या मौसू और सिफात जो थे सारे के सारे नकरा थे। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ हम पढ़ेंगे आज मौसू सिफत, मगर जो खास होंगे, जो मारिफा होंगे, क्या होंगे, मारिफा। आप देखिए पहले, आईना अल मुदर्रिसु, टीचर कहाँ है, हुआ फिल फसले, वो क्लासरूम में है, हुआ वो है फिल फसले, क्लासरूम में, जार मजरूर की तरकीब। व अइन अल मुदर्रिसु अल जदीदु, और नया, द वेयर इज द न्यू टीचर, अगर इल्फाम काट देंगे हम कहेंगे मुदर्रिसुन जदीदुन, मुदर्रिसुन जदीदुन, ए न्यू टीचर, अ न्यू टीचर, लेकिन जब अलिफ्लाम इसके साथ लग गया तो हम कहते हैं अल मुदर्रिसु अल जदीदो, दो चेंज आ गई, एक तो इसमें जो तनवीन थी मुदर्रिसुन जदीदुन वो तनवीन खत्म हो गई, अब अलिफ्लाम आ गया, ठीक है। तो दूसरी चेंज क्या आ गई, वो ये कि अब खास बन गया, डेफिनेट बन गया, पहले था अ न्यू टीचर, अब बन गया द न्यू टीचर, द न्यू टीचर, ठीक है ना, अल मुदर्रिसु अल जदीदु द न्यू टीचर,
the new teacher. तो कहता है वो आईना आईनल मुदरिसु अल जदीदु एंड वायर इज द न्यू टीचर हुआ इंदल मुदीर ही इज विद द प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल के पास है इंद मीन्स पास ये ज़र्फ है हुआ इंदल मुदीर वो प्रिंसिपल के पास है आईना तालिबुल जदीदु यहाँ फिर से मौसूम सिफत लेकिन मारिफा दोनों हैं खास हैं दोनों मैंने वहां कहा जब हम इस लेसन का अलिफ पार्ट पढ़ रहे थे तो मैंने कहा कि मौसूफ सिफत में यह है कि अगर मौसूफ अल्फनाम यानी खास हो मारिफा हो तो सिफत भी मारिफा लिखनी पड़ेगी तो इसलिए जब यहाँ अत्तालिब आ गया तो अल जदीदु लिखना पड़ा हम पढ़ेंगे आइन तालिबो अल जदीदु वेयर इज द न्यू स्टूडेंट द न्यू स्टूडेंट ठीक है ذهب الى المكتبه he went to the library المكتبه library کو کہتے ہیں من ذلك الرجل اس میں اشارہ مشار نے لے ٹھیک ہے یعنی ترکیب مرکب اشاری من ذلك الرجل who is that man ذلك الرجل that man ٹھیک ہے الطویل लेकिन अब इस मुशार ने इलाह की एक सिफत भी बयान हो गई वो आदमी लेकिन अब कह रहा है वो लंबा आदमी जालिका मीन्स वो अर्रजुल मीन्स आदमी तो हम कहेंगे वो आदमी लेकिन अब तवील इसकी सिफत भी बयान हो गई तो हम कहेंगे वो फिर पहले सिफत लिखेंगे उर्दू में फिर मौसू हम कहेंगे वो लंबा आदमी या इंग्लिश में कहेंगे दैट जालिका की ट्रांसलेशन दैट फिर सिफत की यानी मुशारन इलाह की सिफत जो है यानी अर्रजुल की सिफत उसकी ट्रांसलेशन टॉल मैन दैट टॉल मैन हु इज दैट टॉल मैन अल्लज़ी जो खरजा निकला अल आना जस्ट नाउ अभी अभी मिनल मदरसते स्कूल से हु इज दैट tall man who came out of the school now या just now जो अभी अभी स्कूल से बाहर आए ये कौन ये लंबा आदमी कौन है जवाब देता है हुआ ये है अल मुदीरो अल जदीदो he is the new principal मुदीर कहते हैं डायरेक्टर को भी लेकिन हम यहाँ प्रिंसिपल के माने में ही लेंगे हुआ अल मुदीरो अल जदीदु ही इज द न्यू प्रिंसिपल वमनिल वलदु मन चूंकि मबनी कलमा है ये सुकून पर होता है मब मीमनून मान लेकिन जब इसके बाद इल्फ़ा वाला कोई लफ्ज आए कलमा आए जिसको पढ़ना पड़ेगा तो इसके नीचे जेर लगाते हैं नून के नीचे मनिल वलदु क्या पढ़ेंगे वमनिल वलदु असगीरो और वो छोटा अल वाला दो असगीरो द स्मॉल बॉय वो छोटा लड़का अल्लज़ी खरजा अल आना मिन अल फसल खरजा जो निकला अल आना अभी अभी मिन अल फसल क्लासरूम से ये कौन है वमन और ये कौन है हा? हुआ ये है इब्नुल मुदीरिल जदीदे ये है इब्नु अल मुदीर अल जदीदे ये नए प्रिंसिपल अल मुदीर अल जदीद नए प्रिंसिपल का बेटा है वो नए प्रिंसिपल का बेटा है इब्नुल मुदीर मुजाफुन व मुजाफुन इलैह यानी ये मुरक्कब इजाफी है इब्नुल मुदीर प्रिंसिपल का बेटा लेकिन अब इसकी मुदीर की सिफत भी लाई अल जदीद नए प्रिंसिपल का बेटा नए प्रिंसिपल का जब आप मुजाफ मुजाफ इलैह का ट्रांसलेशन करते हैं आप पहले मुजाफ इलैह का ट्रांसलेशन करते हैं जैसे यहाँ कहेंगे इब्नुल मुदीर हम कहते हैं प्रिंसिपल का बेटा न कि बेटा प्रिंसिपल का नहीं हम कहेंगे प्रिंसिपल का बेटा लेकिन अब प्रिंसिपल जो है इसकी सिफत भी बयान हो गई तो हम कहेंगे पहले उसी सिफत नए प्रिंसिपल का बेटा यानी बिल्कुल ट्रांसलेशन आप यहाँ से करेंगे जदीद से शुरू करेंगे आप कहेंगे हुआ वो है अल जदीद नए अल मुदीर प्रिंसिपल का इब्नु बेटा नए प्रिंसिपल का बेटा है ठीक है इसका ख्याल रखिए क्योंकि जब आप ट्रांसलेट करते हैं उर्दू टारगेट लैंग्वेज में ये उर्दू या इंग्लिश हो जो भी आपकी टारगेट लैंग्वेज हो
उसके उसके मिजाज का ख्याल रखिए, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर का ख्याल रखिए, हाँ उसमें बात करने का तरीका जो है उसका ख्याल रखिए, उसी हिसाब से ट्रांसलेशन कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। अब कहता है लिमन तिलका सय्यारतो अलजमीलतो, लिमन किसकी है, ले यहाँ ले आ गया, ले हर्फ जर है, ले लिमन किसकी है तिलका वो सय्यारतो गाड़ी, यानी तिलका सय्यारतो इसमें इशारा मुशोर नहीं लाए, तिलका सय्यारतो वो गाड़ी, मगर इस सय्यारा की मोन ये भी आ गई सिफत भी, अलजमीलतो खूबसूरत गाड़ी, किसकी है वो खूबसूरत गाड़ी। अब हम वो गाड़ी नहीं कहेंगे, वो और गाड़ी के दरमियान एक और वर्ड यानी गाड़ी की सिफत आएगा, लिमन किसकी है तिलका सय्यारतो वो गाड़ी, लेकिन जब अलजमीलतो कहा तो हम कहेंगे उर्दू में तिलका वो अलजमीलतो खूबसूरत सय्यारतो गाड़ी, वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है, हिया वो है सय्यारतो मोनस है इसलिए हिया जमीर भी हिया मोनस से इस्तेमाल हो जाएगी। हिया लिल मुदीरे अल जदीदे वो नए प्रिंसिपल की है, हिया लिल मुदीरे अल जदीदे वो नए प्रिंसिपल की है, वो नए प्रिंसिपल की है। ठीक है, यहां देखिए आप, यहां लाम जो है लाम या जिसको हर्फ जर जो है लाम, जब ये किसी अलिफ लाम वाले कलमे के साथ इस्म के साथ लगता है तो उसका अलिफ गिरा दिया जाता है। यहां देखिए लिल, मैं इसको हाईलाइट करता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह देखेंगे, लिल मुदीर में हाईलाइट करता हूं, यहां देखिए इसके असल में था लि अल मुदीर, लेकिन जब लि और अलिफ लाम मिलता है तो अलिफ बीच में ड्रॉप हो जाता है, लाम को डायरेक्ट लाम के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है लिल मुदीर, लिल मुदीर, आप परेशान ना हो जाए कि इसका अलिफ कहां गया, लिल मुदीर जदीद नई प्रिंसिपल की गाड़ी है। लिमन हाजल किताबुल कबीरो, लिमन किसकी है हाजल किताबु यह किताब, मगर क्या हाजल किताबु अल कबीरो ये बड़ी किताब, सो बड़ी आएगा हाजा और किताब के दरमियान सिफत आएगी पहले उर्दू में जब हम कहेंगे या इंग्लिश में, हाजा मीन्स दिस, अल कबीरो मीन्स बिग, अल किताबु मीन्स बुक, दिस बिग बुक, हुज इज दिस बिग बुक ये बड़ी किताब किसकी है, क्या हुआ वो लिल मुदर्रिसे टीचर की है, यहां भी लिल देखे यहां भी अलिफ ड्रॉप हो गया है, लिल मुदर्रिसे, इन पॉइंट को अपने अपनी कॉपी पे लिख के रखिए ताकि आप इसको जो है एक नजर से फिर से जब देखना चाहे तो आपकी जल्द जल्दी आपको एक मिनट में आप उनको देख सके। जवाब मिलता है ला नहीं हुआ, लित तालिबे फिर से अलिफ ड्रॉप हो गया, लित तालिबिल जदीदी नए स्टूडेंट की है ये किताब, बड़ी किताब जो है नए स्टूडेंट की है। अइनल मिलअकतो असगीरतो, अइनल मिलअकतो असगीरतो, अल मिलअकतो मोनस है असगीरतो भी यानी सिफत भी मोनस आ गई, तो क्या था अइन कहाँ है असगीरत छोटा, अल मिलअकतो चमचा वो छोटा चमचा कहाँ है, हिया वो है फिल कूबे किस में गिलास में, कूब किसको बोलते हैं गिलास में, फिल कूबे गिलास में वो गिलास में, अइन अल कुर्सियो अल मकसूर टूटी हुई कुर्सी, अल मकसूर अल कुर्सियो अल मकसूर टूटी हुई कुर्सी कहाँ है, अइन अल कुर्सियो अल मकसूर टूटी हुई कुर्सी कहाँ है, हुआ हुनाक इट इज देयर, हुआ जो है ये जमीर है प्रोनाउन है, जब ये इंसानों के बारे में आएगा तो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे ही, लेकिन जब चीजों के बारे में आएगा तो आप कहेंगे इट, कुर्सी के बारे में आप नहीं कहेंगे ही इज देयर, आप कहेंगे इट इज देयर, सो इसका ख्याल रखिए इसको या इसको भी नोट कीजिए, हुआ हा? जब इंसानों के बारे में हो तो इट मीन्स ही, लेकिन जब चीजों के बारे में तो इसका माने क्या होगा इट, हुआ होना का इट इज देयर, इट इज देयर। यहाँ पे हमने हिवार खत्म की, अब तमरीन को देखिए जरा, एक क्वेश्चन नंबर वन है, एक वक्त रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, अत्तबीबु अल जदीदु द न्यू डॉक्टर, अगर तबीबुन जदीदुन होता तो हम कहते ए न्यू डॉक्टर, सो अत्तबीबु अल जदीदु द न्यू डॉक्टर फिल मुस्तशफा इज इन द हॉस्पिटल,
फिल मुस्तशफा इज इन द हॉस्पिटल वत तबीबुल कदीब एंड द ओल्ड डॉक्टर मैं ओल्ड डॉक्टर के बजाय इसको ट्रांसलेट करूंगा एंड द सीनियर डॉक्टर इज फिल मुस्तौसफ मुस्तौसफ लिखिए मुस्तौसफ कहते हैं क्लिनिक को या स्मॉल हॉस्पिटल जो है उसको भी मुस्तौसफ कहते हैं क्लिनिक ही लिखिए वो फिल मुस्तौसफ वो क्लिनिक में नंबर टू अलकलमो अलमकसूरो अगर इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे पढ़ेंगे अलकलमुल मकसूरो मुल कलमो का मीम जो है वो डायरेक्ट अलमकसूर के नाम से मिलाएंगे अलकलमुल मकसूरो द ब्रोकन पेन अगर इल्फ़लाम के बगैर होता कलमुन मकसूरुन तो हम कहते हैं ए ब्रोकन पेन लेकिन अल कलमुल मकसूर द ब्रोकन पेन अल अल मक्तबी इज ऑन द टेबल अल मक्तब मीन्स टेबल इज ऑन द टेबल नंबर थ्री अल मिरवाहतो अल जदीदतो फिल गुरफतिल कबीरती अल मिरवाहतो पंखे को कहते हैं फैन अल जदीदतो द न्यू फैन इज फिल गुरफते अल कबीरती इन द बिग रूम इन द बिग रूम या इन द लार्ज रूम अलगुरफतो बड़े कमरे में है नया पंखा बड़े कमरे में है नंबर चार अल्लुगतु अल्अरबियतु द अरबिक लैंग्वेज द अरबिक लैंग्वेज सहलतुन आसान है यहाँ देखिए यहाँ अल्लुगतु इसकी सिफत के तौर पर आया है अल्अरबियतु मौसूब अल्लुगतु है और इसकी सिफत है अल्अरबियतु सहलतुन मीनस आसान है सहलतुन मीनस आसान है ठीक है ये खबर है अल्वलदु अत्तवीलो द टॉल स्टूडेंट दट सॉरी द टॉल बॉय अल्लजी जो यानी हु खरज मिन अल फसल केम आउट ऑफ द क्लासरूम अल आना अभी अभी जस्ट नाउ नाउ तालिबुन मिन अल हिंदी इज अ स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया तालिबुन इज अ स्टूडेंट मिन अल हिंदी फ्रॉम इंडिया ये अल्लजी जो है इसको आपने कई बार पढ़ा अल्लजी इसमें मौसूल है अल्लजी इसमें मौसूल है ये इस्म के बाद आएगा जैसे यहाँ अलवलदु के बाद आ गया कभी ये इस्म जो है ये इंसान का नाम भी हो सकता है या इंसान के बारे में हो सकता है या चीज़ के चीज़ कोई किसी इस चीज़ का नाम भी हो सकता है तो अगर ये इंसानों के नाम के बाद आए जैसे अलवलदु अब इंसानों का ये इंसानों के बारे में है ना इसके बाद आ गया तो इसका माने होगा हु डब्ल्यू एच ओ हु लेकिन अगर चीजों के बारे में अगर मैं कहूँ इसे अल कलमो अल्लज़ी अलल मक्तबी लिल मुदर्रिस पेन जो टेबल पर है उस्ताद का है कलम जो टेबल पर है उस्ताद का है यहां मैंने कहा अल कलमो अल्लज़ी ठीक है तो यहाँ अल्लजी के माने होंगे विच द पेन या विच या दैट द पेन विच इज ऑन द टेबल या दैट इज ऑन द टेबल इज टीचर्स इज टीचर्स इसको याद रखिए अल्लजी के इसको अब आइए और कुछ मिसालें पढ़ें अना फिल मदरसती असानवियती अना मैं हूँ फिल मदरसती असानवियति अल मदरसतु असानवियतु मीन्स सेकेंडरी सानवी सानियतुन कहते हैं ना टू को सो सानवियतु मीन्स सेकेंडरी स्कूल ये दो चार सेंटेंस खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपको जो लगे कि आपने कितना समझा है क्वेश्चन नंबर टू पे आइए इमला फिल फराग खाली जगहों को पूर कीजिए फी मायली जो आ रहे हैं बिन्नात एक सिफत से अल्लज़ी बैना कौस बैना कौसैन जो यहाँ ब्रैकेट्स में दी हुई हैं बाद तहल्लियतिही बिअल इसके बाद कि आप इसके साथ अलिफ लाम लगाएं यानी अगर ये जदीद है तो आप अल जदीद लिखेंगे इन द लुजू जब जरूरत पड़े अगर जरूरत कहीं पड़े पहला सेंटेंस देखिए आइना अल मुदरिसो चूंकि अल मुदरिसो आ गया तो हमें जदीद के साथ अलिफ लाम लगाना पड़ेगा हम कहेंगे अल जदीदो आइना कहाँ है अल मुदरिसो अल जदीदो नया टीचर कहाँ है नंबर टू अत्ताजिरो अल कबीरो
چونکہ التاجر بھی الفلام والا ہے تو الکبیر لکھیں گے الفلام والا التاجر الکبیر دا بگ مرچنٹ بڑا تاجر جو ہے فی السوق کے بازار میں ہے انا طالبن میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں طالبن سمپل اس میں نکرہ تو قدیمن بھی اس میں نکرہ خبر اس کی صفت بھی اس میں نکرہ ہی لگائیں گے قدیمن ٹھیک ہے انا طالبن قدیمن نمبر چار جلسہ الطالبو ڈیش ڈیش خلف محمد جدید اس میں بھی لگانا ہے چونکہ الطالب جو ہے الفلام والا ہے تو جدید کو بھی الفلام والا بنائیں گے ہم کہیں گے جلس الطالب الجدید خلف محمد محمد کے پیچھے بیٹھا نمبر پانچ من الولد ڈیش ڈیش الذي خرج الان من الفصل کلاس روم سے بھی ابھی نکلا الولد الفلام والا ہے تو ہم طویل کو بھی الفلام والا بنائیں گے کیونکہ میں نے کہا نا صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوگی معرفہ ہے موصوف تو صفت بھی معرفہ لگائیں گے چونکہ الفلام والا جو بھی اسم ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے تو ہم لکھیں گے من الولد الطویل الطویل الذي خرج لنا من الفصل کون ہے وہ لمبا لڑکا جو ابھی کلاس روم سے نکلا ٹھیک ہے باقی یہ دو چار پارٹ ہیں آپ ان کو خود بنانے کی کوشش کیجئے اب آئیے ہم کوشچن نمبر تین پر دیکھیے جو میں بتا رہا تھا کہ یہاں ہم اس میں موصول پڑھ رہے ہیں الذی کہتا ہے اقرا پڑھو الطالب دا اسٹوڈنٹ الذی جو ٹھیک خرج من الفصل کلاس روم سے نکلا الان ابھی ابھی من انڈونیشیا یہ انڈونیشیا سے ہیں کہاں سے ہیں انڈونیشیا سے انڈونیشیا کنٹری کا نام ایشین کنٹری نمبر ٹو الکتاب الکتاب دا بک الذی جو علی المکتب ٹیبل پر ہیں للمدرس استاد کی ہے نمبر تھری لمن ھذا القلم الجمیل یہ خوبصورت قلم کس کا ہے الذی علی المکتب جو ٹیبل پر ہیں نمبر چار البیت الکبیر وہ بڑا گھر یا بڑا گھر دا بگ ہاؤس الذی فی ذلک الشارع جو اس روڈ پر ہیں للوزیر یا منسٹر کا ہے نمبر پانچ السریر الذی دا بیڈ الذی جو فی غرفۃ خالد خالد کے کمرے میں ہے مکسور ٹوٹا ہوا ہے میں نے ڈیلیبریٹلی اس الذی سے پہلے جو کلمے استعمال کیے میں نے ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی آپ دیکھیں الذی 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 سب لیکن الذی سے پہلے جو اسم آیا ہے وہ معرفہ ہے یاد رکھیے اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے کہ الذی کبھی بھی اس میں نکرہ کے بعد نہیں آئے گا یہ اس میں معرفہ کے بعد ہی آئے گا الطالب دیکھیے پہلے پارٹ میں الطالب معرفہ ہے الکتاب معرفہ ہے القلم معرفہ ہے نمبر چار میں دیکھیے البیت معرفہ ہے نمبر پانچ میں دیکھیے السریر معرفہ ہے تو یہ صرف اس میں معرفہ کے بعد ہی آئے گا ایک پوائنٹ اس کو نوٹ کیجئے نمبر دو یہاں آپ صرف الذی پڑھ رہے ہیں آگے آپ انشاءاللہ الذی کے اور قسمیں پڑھیں گے الذی جو ہے اس میں موصول اس کا پلورل آتا ہے الذین اس کی مونس آتی ہے التی اور التی کی پلورل التی کی جمع آتی ہے اللواتی یا اللاتی وہ آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے لیکن یہاں یاد رکھیں الذی مذکر کے لیے آئے گا طالب مذکر ہے تو اب الذی آ گیا کتاب مذکر ہے الذی آ گیا قلم مذکر ہے الذی آ گیا البیت مذکر ہے الذی السریر سارے مذکر ہیں اور سارے الفلام والے ہیں تب ہی الذی استعمال ہو گیا ٹھیک ہے اس کو دھیان میں رکھیں آگے انشاءاللہ تعالی اس کی فردر ڈیٹیلز آئیں گے اب اس ڈبے میں جو دیے اس کو ذرا دیکھیں بیت جدید بیت منعوت جدید نعت اس کا دوسرا ہم کہتے ہیں بیت موصوف جدید صفت ٹھیک ہے آپ اردو میں کہتے ہیں چلو نعت پڑھیں نعت پڑھنا مطلب کہ آپ ایک ایسی نظم پڑھتے ہیں جس میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اس کو نعت بولتے ہیں لیکن عربی میں نعت جو ہے ایک سمپل ورڈ بھی ہے عربی نعت مینس وصف ایڈجیکٹیو جس کو آپ گرامر کے لحاظ سے کہیں گے ایڈجیکٹیو بیان کرنا کسی کی کوالٹی بیان کرنا ٹھیک ہے تو بیت منعوت یا موصوف جدید اس کی صفت ہے یہاں پھر سے میں بتاؤں گا یہ صفت جو ہے یا نعت جو ہے یہ منعوت کے مطابق ہوگی چار چیزوں میں ایک جنس میں
यानी अगर मुजक्कर है मनऊत तो खबर भी मनऊत, ये सिफत भी मनऊत होगी या नात भी मनऊत, ये सॉरी अगर मनऊत मुजक्कर है तो नात भी मुजक्कर होगी। नंबर टू, मारिफा नकिरा में अगर मनऊत मारिफा है तो नात भी मारिफा होगी, अदरवाइज अगर मनऊत नकिरा है तो नात भी नकिरा होगी। नंबर थ्री, अदद में अगर ये मनऊत वाहिद है तो नात भी वाहिद होगी, अगर ये जमा है मनऊत तो नात भी जमा होगी। नंबर चार, एराब में अगर ये पेश वाले हैं, आखिर इनके आखिरी हरफ लेटर पर पेश हैं तो यहाँ भी खबर ये नात के आखिरी लेटर पर भी पेश होगा, जैसे यहाँ बाइतुन के आखिरी लेटर है ता, इसके ऊपर दो पेश है, जदीद उनका आखिरी लेटर है दाल, इसके ऊपर भी दो पेश है, ठीक है। अब नए कलिमा देखिए जो आपने यहाँ क्या नाम है इस लेसन में पढ़ी, अल मकतबतु, उनमें से पहला है अल मकतबतु मीनस लाइब्रेरी, अल मकतबतु मीनस लाइब्रेरी, मैंने वहाँ भी बताया, इनको नोट डाउन कीजिए इसको। अल आना मीनस मीनस नाउ या जस्ट नाउ, अभी अभी या जस्ट नाउ, अभी अभी। अल मिरवाहतु मीनस पंखा या फैन। अल मुस्तौसफ मीनस मीनस क्लिनिक। अल मदरसतु असानवियतु सेकेंडरी स्कूल। अल वजीरु द मिनिस्टर। शहीरुन मीनस मशहूर फेमस। हादुन मीनस तेज। हादुन मीनस तेज। हादुन मीनस तेज। हाद मीनस शार्प। हाद मीनस शार्प। यहाँ पे हमारे इस दर्स का इख्तिताम हो रहा है। अब इंशाअल्लाह ताला आपके साथ दर्स नंबर 10 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।